नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज जिस खास कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहिए इंटरनेट की दुनिया को और सोशल मीडिया को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक दिन एक वीडियो क्लिप आई और उस वीडियो क्लिप में एक बेहद यंग आर्टिस्ट बांसुरी पर बजा रहे थे ओ सजना बरखा बहार आई, लता जी का गाना, सलिल चौधरी का म्यूजिक। मतलब मैं खो गया उस बांसुरी की उन धुनों में और साथ में सितार का की संगत थी। और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेट को धन्यवाद देना चाहिए, सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे ही मैंने उसके बाद जाकर गूगल बाबा पर ढूंढा, मुझे उस कलाकार के बारे में पता चला और पता चला कि वो यंग कलाकार है वरुण। तो मैं वरुण का स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम वरुण, रागगिरी के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शिवेंद्र जी। वरुण, मैं देख रहा हूँ आप बांसुरी लेकर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना शुरुआत करें इससे पहले वही गाना जिस गाने से मेरा आपसे परिचय हुआ। क्या बात है। अच्छा वरुण, ये बताइए, आप लोग की एक टीम है, जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया, मैंने देखा उसमें आपके साथ संगत पे तबले की संगत थी, सितार की संगत थी, तो ये जो छोटी सी आपने टीम बनाई, इस टीम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर जरा हमें बताएं प्लीज। या एक्चुअली ओ सजना कवर में तबला है, सितार है, दे आर वेल नोन आर्टिस्ट फ्रॉम केरला। तबला प्लेड बाय फेमस महेश मणि एंड सितार प्लेड बाय Paulson, AJ Paulson. Actually, he is very well-known recording artist here in Kerala. They are famous in Tamil industry also, Tamil film industry and Malayalam film industry. They are playing lot of recordings here. And actually, they are all my friends and co-musicians and well-wishers. They actually united for me for this cover. That's the actual story behind the O Sajana cover. And we are all playing in stage shows also. This is the story, actually. वरुण, कैसे आपका जो म्यूजिक का जो ये जर्नी है, आपका जो ये संगीत सफर है, कैसे शुरू हुआ, आपने किन से संगीत सीखा, और अभी क्या आप अभी भी सीख रहे हैं या अब आप गुरु से नहीं सीख रहे हैं बल्कि अब आप अपने रियाज के भरोसे, रियाज के दम पर जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं? I started learning classical music and flute in my school days. After 10th standard, when I was 16, I think. And my first guru was late Chalakudi Ganapathi, N.S. Ganapathi. He is no more now. And I have learned from many teachers and still learning. Mostly self-taught, I can say. And this video making, all our film songs and some own compositions, that are all my part. Actually, I am doing and learning myself only, and learning classical music and many other forms from various teachers, various performers, various artists, and so on. That's about my teachers and gurus and the video making. Varun, मेरा अगला सवाल बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। बांसुरी क्यों, कोई और इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं, आपने बांसुरी को क्यों चुना? It's not a simple question. First of all, I can say I love bansuri sound more than any instrument sound. It's just like vocal. We can express what we are thinking in our mind. What is our music? It depends upon our musicality.
what can I say? Bansuri is simple instrument. By looking, it is very simple to carry and all, but it is somewhat complicated in a deep level. That I can say. Why Bansuri? I love Bansuri. I love its sound, its music, and its simplicity. अच्छा वरुण, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान कृष्ण का पर्याय है, तो क्यों ना कोई ऐसा भजन जो आपको याद आ रहा हो, जो आप हमें सुनाना चाहें, और जिसको सुनकर हम वो जो कृष्ण जी का बचपन है जिसमें वो बांसुरी है उनके हाथ में, या जो बात तक रही उसमें खो जाएं, उनके बचपन में चलें। जरा हमें कृष्ण जी से मिलवाइए, बांसुरी वाले कृष्ण जी से। इट्स नॉट ए भजन, इट्स ए कर्नाटिक क्लासिकल कृति कॉल्ड अलैप्पयुधे इन आदितालम रागम कन्नडा। I'll play for you. जो हम लोग इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी की थी मैंने और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसमें एक बहुत रिक्वेस्ट करता हूं अपने हर गेस्ट से, अपने हर आर्टिस्ट से, कि कुछ उनकी पसंद की चीजें जो हों जिसको वो मेडले की तरह से बजाएं, जिसमें वो 3-4-5 गाने छोटे छोटे ही सही लेकिन बजाएं, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा। Thank you.
जब म्यूजिक सीख रहे थे या बांसुरी सीख रहे हैं, तो आपके जो आदर्श कह लें, रोल मॉडल कह लें, या किससे आप बांसुरी सुन सुन के आपको लगता है कि आपको इस तरह से बजाना है या ऐसा बजाने की कोशिश करनी है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हम सब जानते हैं, रोनू दा को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके कौन से ऐसे आइडल हैं, आपके प्रेरणा स्रोत कौन से कलाकार हैं? देर आर मैनी म्यूजिशंस एंड फ्लूट प्लेयर्स हु इंस्पायर्ड मी इन माई चाइल्डहुड एंड इवन नाउ. वन ऑफ दम इज़ पीएम के नवीन कुमार. नवीन कुमार इज़ द टॉप क्लास फ्लूट प्लेयर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री. आई कैन से ही वॉज बिहाइंड मैनी लेजेंडरी सॉन्ग्स वी आर लिसनिंग नाउ, लाइक जरा जरा एंड मोस्ट ऑफ द ए आर रहमान सॉन्ग्स वी आर लिसनिंग इन रंगीला और many other songs. And he is the topmost role model of mine, Navin Kumar sir. And of course Pandit Hariprasad Chaurasia, Pandit Ronu Majumdar, Paresh Nad, so many flute players inspires me, and these about the role models. अच्छा वरुण, अब आगे का ड्रीम क्या है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल यंग हैं, क्या सोचा है आपने? करियर म्यूजिक में बनाना है, या फिर आपने, आप स्टडीज में भी अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस तरफ जाने का इरादा है? क्योंकि इस सवाल की जवाब से पता चलेगा कि म्यूजिक हॉबी के तौर पर ही है या वो प्रोफेशनल करियर की तरह भी आप उसको देख रहे हैं। या माई ड्रीम इज़ टू लिव विथ म्यूजिक. लिविंग विथ म्यूजिक इज़ माई ड्रीम एंड इट्स नॉट ए हॉबी फॉर मी, इट्स ए प्रोफेशन. आई एम ए फ्लूट प्लेयर एंड ए फ्लूट मेकर टू, एंड आई एम लिविंग विथ दिस इंस्ट्रूमेंट बांसुरी. वरुण, आपने सलील चौधरी के जिस वीडियो का मैंने शुरू में जिक्र किया, उस वीडियो में इतना खूबसूरती से बजाया है, और जिस दशक में आप ले गए अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ उस समय के गाने, सलील दा का या मदन मोहन का कुछ, या नौशाद साहब का कुछ, जो आपको पसंद हो। श्योर. रिक्वेस्ट है, अगर आप बजा पाए या बजाना हो आपने पहले कभी, आप हीरो फिल्म में जो बांसुरी बजी थी, क्योंकि वो बांसुरी कह लें कि जो उसकी बांसुरी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर फिल्मों में जिस तरह से इस्तेमाल की गई है, हालांकि हरिप्रसाद जी ने बहुत बजाया है, लेकिन वो भी एक पीस जो था हीरो फिल्म का, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो अगर आप हमारे लिए बजाएं तो। या श्योर. आई विल ट्राई टू प्ले द लेजेंडरी थीम म्यूजिक ऑफ हीरो फिल्म. चलिए वरुण, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह से आपने संगीत और अपनी पढ़ाई का बैलेंस बनाया हुआ है, वो बैलेंस बना रहे, आपकी संगीत साधना चलती रहे,
आप यूं ही सुरीले मधुर बांसुरी से गाने बजाते रहें, कुछ अपनी नई कॉम्पोजिशन तैयार करें, ऐसी हमारी और रागगिरी की आपको शुभकामनाएं हैं।